हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा आप देख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग पहले भी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है काम स्टार्ट किया हुआ है वो भी फ्री में। पहले हम लोगों ने एनालिसिस करके दिखाया आप लोगों को कि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद कुछ लोग जो हैं, कुछ दोस्त जो हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि जी सर, हम लर्न करना चाहते हैं तो हमें सिखा दें। तो उनके लिए मैंने यूट्यूब के ऊपर जो है वो कोर्स स्टार्ट किया, वो भी फ्री में। तो इससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। पहले हम लोगों ने वीडियो अपलोड की थी बेरिश इंगल्फिंग, ये जो पैटर्न है स्टार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, बाद में चार्ट पैटर्न और बहुत सारे और जो है पैटर्न और कुछ स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। तो अभी बेरिश इंगल्फिंग का जो काम था वो हमने पिछली वीडियो में बता दिया। ऐसा है कि मार्केट में दो मूवमेंट होते हैं, सेल या बाय, सही है, ये नीचे जाती है ऊपर जाती है मार्केट, ऐसा होता है। तो उस चीज़ के लिए हमें सिर्फ दो एनालिसिस देखने होते हैं, सेल के या बाय के, कि यहाँ से मार्केट सेल हो रही है किस हिसाब से हो रही है और जहाँ से बाय हो रही है तो किस हिसाब से हो रही है। हमने सिर्फ सेल और बाय के एनालिसिस करके देखने के कहाँ से बाय जाएगी या कहाँ से सेल जाएगी। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बाय का मेन बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, सही है। पिछला जो हमारा पैटर्न था वो सेल का था कि सेल हम कहाँ से ले सकते हैं, तो उसकी डिटेल हमने उस वीडियो में बता दी थी। अब इसकी जो है डिटेल ये हम इस वीडियो में बताएंगे। वहाँ सेल ली थी और इसको हम बाय से लेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग जो है वो बाय की एंट्री कहाँ से बताती है और क्या ये काम भी करते हैं कि नहीं करते हैं। सो चलते हैं। बुलिश इंगल्फिंग सेम वैसे ही काम करती है जिस तरीके से बेरिश इंगल्फिंग सेल का काम करती है, जैसे वैसे होती है। और बुलिश जो है वो बाय का एंट्री देती है, तो ये हमेशा टॉप के ऊपर बनते हैं, सॉरी नीचे बनते हैं, ये टॉप के ऊपर बनते हैं, ये नीचे बनते हैं, ये रिट्रेस पे बनते हैं या फिर फुल डाउन पे बनते हैं, ठीक है। और इसकी शक्ल और इसकी शेप जो होती है वैसी होती है जो हमने इसका रेड एरो लगाया हुआ है इसके अंदर। आप देख लें कि बैरिश पहले पाँच चार पाँच कैंडल बैरिश हुई, मेन बाय ट्रेंड है ये, देख रहे हैं बाय ट्रेंड है। बाय ट्रेंड के साथ रिट्रेस हुई छोटी सी मार्केट है, रिट्रेस के बाद अब जो है उसने एक ऐसी कैंडल बनाई ग्रीन वाली, जो पहली बैरिश कैंडल मेन जो रेड कैंडल थी उसको ढाँप कर क्लोज कर दिया। उसको अब ये देख लें, यहाँ पे जो है इसने क्लोज कर दिया, यहाँ से रेड कैंडल जो है वो बंद हो गई थी, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल हुई वो यहाँ आकर बंद हो गई। तो इसको हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग, ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न कहलाता है। और यहाँ से हम लोग जो है जहाँ से ये बाय हुई है मेन, जहाँ पे ये क्लोज हुई है, तो यहाँ से हम लोग बाय की एंट्री लेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ से बाय की एंट्री लेंगे तो इसका जो स्टॉप लॉस लगाएंगे ना वो हमारा बुलिश इंगल्फिंग का जो लास्ट लो होगा ना उसका 5 से 7 पीपल जो हम उससे नीचे लग रखना है, और टेक प्रॉफिट हम अपने बाकी एनालिसिस के हिसाब से लगा लेंगे। सो इसको हम ट्रेंड के साथ देखेंगे तो ज़्यादा काम करेगा, ये 99% काम करती है, सारे पेयर पे काम करती है बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग, जितने भी पैटर्न हम आपको पाएंगे 99% काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने बाकी रूल्स को भी फॉलो करना है कि सिर्फ बैरिश या बुलिश से हमने सेल नहीं करना मार्केट को, बाकी 4 से 5 चीज़ें जो हमने देखनी है और इस हिसाब से सेल और बाय करना है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसको देखिए और सुनिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो है मैसेज कर सकते हैं। पहली क्लास जो है बैरिश इंगल्फिंग की वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उधर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दोस्तों में शेयर करें जो रोज कर चुके हैं और फ्री में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सब में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।